पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं। मैं एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे, उसमें सारी की सारे नए लोग आने चाहिए। तो हमको कोई भी खेलने की फैसिलिटी नहीं दे रहे। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। और आपको बता दूं कि हम पहुंचे हैं पार्श्व बिहार सोसाइटी में और यहां पर हम बता दें आपको कि 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और इसके साथ ही हम यहां की समस्याओं को जानेंगे कि लोगों को कितनी समस्या है और वो लोग क्या क्या बदलाव चाहते हैं। तो चलिए हम सोसाइटी के लोगों से बातचीत करते हैं और इसके साथ ही जानते हैं कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं और समस्या उनकी क्या क्या है जिसमें वो बदलाव चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आप कब से रह रहे हैं? मेरा मंजू जैन है, मैं 207 पार्श्व विहार में रहती हूँ। आपको क्या लगता है सोसाइटी में क्या क्या बदलाव अभी चाहिए? इसमें बदलाव तो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत सालों से कुछ बदलाव हुए भी नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी जल्दी से कुछ बदलाव आए यहाँ पर। और समस्या अगर देखी जाए तो सोसाइटी में आपको कौन सी समस्याएं अभी लग रही हैं? पहले पानी की समस्या है जो कि बेसिक लेडीज़ के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक है, और पीने का पानी भी मतलब यहाँ पर है नहीं, गंगा वाटर है नहीं, तो पानी तो मेन है टॉपिक यहाँ का। आपके साथ में महिला भी मौजूद है, तो आप सोसाइटी में रह रही हैं, कब से रह रही हैं आप? मुझे 13 साल हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका जी, तो आपको सोसाइटी में रहते हुए 13 साल हो गए, तो आपको क्या क्या समस्या का अभी तक सामना करना पड़ा है? मेजर प्रॉब्लम तो जैसे भाभी ने बताया वाटर की ही है, ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वैसे भी रोज़ वाटर टैंक्स खाली हो जाते हैं, तो वाटर तो बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि एक नेसेसिटी है जो सबको चाहिए ही चाहिए। और बाकी मेंटेनेंस प्रॉपर जो एक ऑल सोसाइटी की मेंटेनेंस होती है उसकी भी प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, फिर डांट भी खाते हैं और पेरेंट्स से कि इधर उधर खेल रहे हो, कभी कुछ टूट जाता है, कभी किसी के लग जाती है, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब चेंजेस आपको चाहिए। और अगर बच्चों की बात करें तो आपको पार्क वगैरह उसमें साफ सफाई को लेकर कुछ खेलने की मतलब फैसिलिटीज़ हों बच्चों के लिए? कुछ बच्चों के पास कुछ है ही नहीं, कोई जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो या कहीं पर बच्चे अपनी अलग से खेल पाएँ, जैसे आप खुद ही देख लोगे स्टेज के ऊपर सब बच्चे खेल रहे हैं और कोई भी फैसिलिटी नहीं है इस टाइप। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि सोसाइटी में समस्या क्या क्या है। तो आपको सबसे ज्यादा समस्या कौन सी यहाँ पे दिखती है? साफ सफाई नहीं है मैडम, और यहाँ पे क्या है पानी मिक्स होता है, हार्ड वाटर मिक्स करते हैं, पूरी गर्मी में हमारे को वो ही पीना पड़ता है। एक टैंकर आता है और सप्लाई होती है 20,000 लीटर पानी, एक टैंकर से क्या होगा। और हमने यहाँ पे फ्लैट खरीदा था लिफ्ट के लिए, इन्होंने पिछली AGM में लिफ्ट पास करके नहीं दिया, 5 साल से AGM बैठा हुआ है, 2 बार AGM बैठा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया इन्होंने, सोसाइटी का नुकसान 15-20 लाख रुपये वो ले चुका है, सोसाइटी का फंड ही खत्म हो रहा है, सफाई और के नाम पर कोई यहाँ साख सुविधा नहीं है 1% भी। गार्ड बैठे रहते हैं, कोई आओ कोई जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं, नहीं किसी से पूछते हैं ये कौन आया कहाँ जाना है तुम्हें, कोई वो नहीं है। तो बदलाव चाह रहे हैं? हम बदलाव चाहते हैं, साफ सफाई, गार्ड वगैरह अच्छा हो, लिफ्ट की समस्या हल हो, पानी की समस्या हल हो, और अपने साफ सफाई, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटी, ये बैडमिंटन कोर्ट था ये पार्किंग के चक्कर में ख़त्म कर दिया, तो हम चाह रहे हैं बच्चों के लिए भी खेलने का रहे। तो मैं सोसाइटी की समस्या आपको दिखा देती हूँ, मैं पहले दिखा दूँ यहाँ पे तारे जो है किस तरह से फैली हुई हैं और लोगों को किस तरह से परेशानी होती होगी यहाँ पर, और वायर जो है निकले हुए हैं, इसमें बच्चे भी हाथ मार सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर ये समस्या देखने को मिल रही है, और ये वायर जो खुले हुए हैं उससे समस्या हो सकती है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है। जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि वायर वगैरह ऐसे खुले हुए हैं, तो समस्याएं कितनी हो रही हैं इसको लेकर? बहुत समस्या है, हमारे तो पैरों में इतना दर्द रहता है दोनों में कि हम ऊपर चढ़ नहीं पाते। हमारा 4th मंजिल का मकान है, हमें लिफ्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मंदिर है यहाँ, जैन मंदिर है, जब हम जैन लोग हैं तो जैन मंदिर हो गई, जैन मंदिर में क्या नाम जो है ये कोई भी बच्चा कोई वो नहीं करने के लिए तैयार है, कोई है ही नहीं करवाने के लिए कुछ भी। और
आचार्य श्री महाराज जी कोई भी आते हैं उनके रुकने के लिए कोई चीज़ नहीं है और उनको रोक बुलाते ही नहीं कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं। आपकी क्या समस्या देखने की? हमारे यहाँ जगह ही नहीं। समस्या तो ये है कि जो भी नई भी कमेटी आए, नई कमेटी जितनी भी आए, जो सुविधाएं करें, जो भी जिनकी भी जो सुविधाएं हैं उनकी हल करें। नई कमेटी से आप क्या क्या उम्मीद कर रही हैं अभी? सबसे पहली समस्या तो यहाँ पे सभी ने बोला है कि पानी की समस्या मेन बेसिक समस्या है। दूसरी समस्या ये है, यहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का मतलब है कि एक हमारा परिवार है ये, तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। दिवाली आती है, होली आती है, न्यू ईयर ईव आता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। वो एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट आज के टाइम में हो गई, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि हमारे को भी फ्रीक आउट चाहिए या एक्सपोजर नहीं है किसी भी तरीके का, बच्चों को एक्सपोजर मिले, क्योंकि हम एक ग्रुप है, जैन कम्युनिटी में रह रहे हम, तो उस तरीके का एक्सपोजर हमें चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए। खेलने की जगह नहीं है प्रॉपर, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बट ऑब्वियस है कि बॉल इधर उधर जाती है तो चोट भी लगती है, तो नेट्स भी होने चाहिए बच्चों के लिए। सारी सुविधा मतलब थोड़ा थोड़ा हम शुरुआत करेंगे, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स हो तो अच्छा है, लेकिन पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे 20 साल से रह रही हूँ और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये इम्प्रूवमेंट्स हमें कोई भी आए, हमें ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। आपको क्या क्या बदलाव चाहिए सोसाइटी में? हमें अभी 2 ईयर्स हुए हैं यहाँ पे आए हुए, 3 अभी कंप्लीट हो जाएंगे, और हमें इतना इम्प्रूव जितना हम सोच के आए थे कि बहुत बेटर लगेगा, बट इतना हमें लगा नहीं। एक तो यहाँ पे सुनवाई नहीं है, हम लोग कॉल कर देते ऑफिस में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की कि हम अर्जेंट हैं, कुछ भी है, बट वो नहीं एकदम से एक्शन उठाते, ठीक है, वो बोलते हैं भेज देंगे, उनको नेक्स्ट डे फिर कॉल करेंगे कि वो दूसरी सोसाइटी में गए हैं, उस वाली सोसाइटी में, बट किसी को प्रॉब्लम है अर्जेंट तो वहाँ पे तो आप सबसे पहले भेजेंगे ना, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। अगर फिर हम 3rd डे कॉल करते हैं, फिर वो गुस्से से बोलते हैं कि अगर आपको कोई बाहर से अच्छा सा दिखता है तो आप उनको बुला लीजिए, यहाँ पे ये वाले फ्री नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपने वायर्स की बोली, ये 233 में भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा है। बच्चों की साइकिल्स के भी टच होती है डेली, हम लोग साइकिल पीछे आगे पीछे करते हैं कि बच्चों को टच ना हो जाए वायर कुछ है, और स्वीपर आता है यहाँ पे, वो मतलब जल्दीबाजी का क्लीन कर देता है, नाम होता है कि उसने झाड़ू लगाई है। आज भी मैंने उसको बोला था, सारा नीचे उसने झाड़ू लगाई, उसने जितना भी डस्ट था सारा नीचे साइड में कर दिया, और उसको बोलते हैं वो भी अनसुनी कर देता है। ऑफिस में बोलो तो वो बोलते हैं कि कोई पैसे नहीं देता, वो कुछ नहीं करता, अपनी अपनी वो भी रामकथा अलग सुना देते हैं। आने वाली कमेटी से क्या डिमांड करना चाहोगे? हम ये चाहते हैं कि इम्प्रूव हो यहाँ पे, जैसे और सोसाइटियों में इतना अच्छा लगता है सारी, जैसे अभी इन्होंने बताया है कि सारे फंक्शंस होए, दिवाली मेला सब सोसाइटियों में होता है, और हम सबसे मेन चाहते हैं कि जैसे सारी सोसाइटियों में मेन गेट बाहर के इतने अच्छे डेकोरेट हो गए लाइटिंग से, हम लोग चाहते हैं हमारी जैन सोसाइटी है तो वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होए। चलिए, अब यहाँ पे पार्क में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, छोटा सा पार्क यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले मैं, आप पार्क में बैठे हैं गपशप मार रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि खड्डे भी है यहाँ पर और साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, तो आप क्या कहना चाहिए? पार्क में यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। आप यहाँ, मैं 128 पार्श्व भैरव में रहती हूँ, मेरा नाम छवि जैन है, आप उधर का पार्क देखिए तक गंदा रहता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ वहाँ पार्किंग, अगर मेरे घर के बाहर इतनी 3 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, अगर मैं निकलना चाहूँ ना, मुझे ऊपर से बुलाना पड़ता है कि आप गाड़ी हटाओ तब मुझे हटने, मतलब इतनी कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और निकल ही नहीं पाती मैं। जी, मतलब पार्किंग इतनी दिक्कत हो रही है कि निकल ही नहीं पा रहे हैं आप, और साथ अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसे ले ही नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो एक तो ये है, पार्क आप मेरे घर के बिल्कुल सामने पड़ता है, मेरे यहाँ मेहमान आते हैं सब कहते हैं हम पार्क में घूम, बच्चों को झुला रहे हैं, तो हमने कहते हैं पार्क में जाइए, बहुत गंदा है, कहने को वहाँ पे जिम के भी लग रहे हैं पर वो इतने गंदे होते हैं कि बच्चों को तो हम लेके ही नहीं जा सकते। पार्क में इतनी गंदगी है कि वो सफाई वाला भाई खाली झाड़ू लगा के जाता है और कुछ नहीं करके जाता, स्वीपर का नालियाँ रोज़ भर जाती हैं, मैं रोज़ कहती हूँ नाली भर गई भाई निकाल दे मेरे घर के आते, क्योंकि पेड़ बहुत है तो झाड़ू लगाने को कहती हूँ, हफ्ते में एक बार लगती है, आप मेरे बिल्कुल घर के सामने जाके देखिए तो इतनी गंदगी होती है, एक हफ्ते में अगर मैं कहूँ तो मुझे ही झाड़ू लगाऊँ तो साफ नज़र आएगा, नहीं तो लगता ही नहीं है। साफ सफाई की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या बदलाव और क्या बदलाव चाह रहे हैं? एक तो यहाँ साफ सफाई का, एक पार्किंग का, पानी का सबसे ज़्यादा है पानी, यहाँ टंकियाँ रोज़ खाली हो जाती है, टंकी के लिए तो रोज़ ही फ़ोन करते रहो, अब पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं, हमें RO का स्पेशल मंगाना है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं जब हमें पानी मिलता,
जाती है। आपकी क्या समस्याएं हैं सुसाइड? मेरी भी यही सेम समस्याएं हैं, पार्किंग का इशू है, वाटर इशू है, हमेशा कहीं पे भी डर्टी लगता है। कोई भी आते हैं बंदे, कोई कहता ही नहीं कि हम इतने अच्छे जेंट्री में या इतने अच्छे फ्लैट्स में रह रहे हैं या वो कर रहे हैं। मेहमान आते हैं, पार्किंग इश्यूज हैं, और हमारे घर के बाहर तो लोग ऐसे कार्स लगाते हैं जैसे घर के अंदर ही पार्क कर दे बस चले। तो मैं 102 स्पेस की भी कमी है, मैं 102 पार्षद विहार में रहती हूँ। बदलाव ये है कि सोसाइटी की मेंटेनेंस अच्छी हो, पार्किंग हर बंदे को अलॉट हो और बिल्डिंग्स सही हो। एक्चुअली जिस तरह से हमारी ये जैन सोसाइटी है, हमारा मंदिर, हमारी सोसाइटी सब ऐसे लगे दूर से ही, मतलब हाईलाइट हो कि हम इतनी बढ़िया वेल सोसाइटी में रहते हैं। आप ये गेट और यहाँ का गेट जो है ना, इतना गंदा बना हुआ है बाहर, आप यहाँ से जाके देखो छोटे गेट के बाहर भी इतनी रोशनी नहीं है, बड़े गेट के बाहर भी रोशनी ज़रूर होनी चाहिए। बड़े जने आते हैं, गिर जाए कोई कुछ हो जाए वो, और गेट इतने गंदे बने हुए हैं। पहले आप देखो, आप सब जगह चेंज हो गए गेट, और यहाँ के गेट ऐसे के ऐसे हैं, पुराने की तरह बने हुए। बच्चों के लिए क्या सुविधाएं चाह रहे हैं आप? बच्चों का तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, प्ले ग्राउंड तो बिल्कुल ही होना चाहिए, इंडोर होने चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। और बच्चों को तो इतनी डांट पड़ती है कि यहाँ पूछो ही नहीं, बेचारे बच्चों की माएँ रोज लड़ती हैं, इतना सबसे ज़्यादा है। तो मैं सोसाइटी के स्टेज पर मौजूद हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बच्चे जो हैं स्टेज पर खेलने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनका कहना है साफ तौर पर है कि यहाँ पर पार्क नहीं है, जिस कारण इनको स्टेज पर खेलना पड़ता है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपकी सोसाइटी में पार्क नहीं है? हाँ जी है, पर वो छोटा है थोड़ा, और वहाँ पे सिर्फ गार्डनिंग, जैसे बस नेचर कर रखा है और कुछ भी नहीं है, उधर खेल भी नहीं सकते हम ज़्यादा। तो आपको खेलने के लिए स्पेस नहीं मिलता? नहीं नहीं, उधर स्लाइड्स भी नहीं है, उधर स्लाइड्स भी नहीं है ना कुछ, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ। मतलब फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है? नहीं। तो आप क्या डिमांड कर रहे हो अभी? हम बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए और बैडमिंटन कोर्ट। आप यहाँ इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ दिक्कत ये है कि पार्क में सोसाइटी वालों ने हमारे सामने झूले हटाए हैं, तो हमको कोई भी खेलने की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं लोग, और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमको उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होते। अच्छा, फेस्टिवल पर प्रोग्राम भी नहीं हो रहे? जैसे दिवाली मेले पे भी नहीं होते ऐसे ऐसे, तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे? हाँ यस, दूसरी सोसाइटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तो क्या जहाँ पे पहले पार्किंग अवेलेबल हम खेलते थे वहाँ पे पार्किंग अब लोग गाड़ी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पहले बास्केट बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, अब यहाँ पे भी लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, कोई खेलने की जगह हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही अब हमें यहीं स्टेज पर खेलना पड़ता है। यहाँ पर सारे जो इक्विपमेंट्स होते थे वो सब हटा दिए गए हैं गेम्स के लिए, सारे झूले टूट गए हैं हमारे, क्योंकि उनका जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी नहीं लगाई गई थी। तो ऐसे हमारे सोसाइटी में छोटी छोटी चीज़ें, अब बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग गाड़ियों को बिल्कुल भर दिया गया है, और उसकी भी इनने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रखी कि गाड़ी कहीं भी लगा देते हैं, एक के सामने दूसरी गाड़ी लगा देते हैं, फिर बंदा गाड़ी निकाल नहीं पाता। रात में किसी की इमरजेंसी आती है, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है, लोग गाड़ी नहीं हटाते अपनी। तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से सोसाइटी में लोग छोड़ के जा रहे हैं, और वो उनको हमें चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग ज़्यादा लोग आएँ, परचेजिंग करें। अब इस वजह से जितना इस सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होएगा, हमारी सोसाइटी के जो फ्लैट के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, और हमारे साथ हमारे जो सोसाइटी में बच्चे हैं वो भी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। ग्रो और क्या मतलब चेंजेस चाह रहे हो सोसाइटी में, आपको और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी फिलहाल? जैसे हमारे ड्रिंकिंग वाटर की जैसे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इम्प्योर्ड वाटर ज़्यादा है, ऊपर से हमारे यहाँ एरिया के पास नाल है, जिसकी वजह से हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई एक तरीके से मतलब सिस्टम बनाया जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मतलब नाले के थ्रू कुछ हम उसमें काम करा जाए, बाहर की तरफ भी इंटरनल भी काम की ज़रूरत है, एक्सटर्नल भी काम की ज़रूरत है, जिसकी दोनों की मदद से हमारी सोसाइटी प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होना हर साल लाखों रुपये का खर्चा हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ के जो रेजिडेंस हैं उनको फेस करना पड़ता है, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है जी। तो आप इस सोसाइटी में कब से रह रहे हैं? 26 ईयर्स, 26 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, वेल ऑफ एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, बट मतलब नोबडी इज़ ट्राइंग कि कुछ हो रहा है यहाँ सोसाइटी में। तो एटलीस्ट हमें जो बेसिक है, एटलीस्ट हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ के लिए सबसे पहले गंगा वाटर हमें चाहिए,
क्योंकि सारे मिनरल्स वगैरह आरओ वगैरह ये चलाते हैं अपने हिसाब से, डीडीएस करते हैं वो कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमें गंगा वाटर चाहिए सो दैट कि हमारा कि पूरा का पूरा हेल्थ मेंटेन रहे और एटलीस्ट कुछ एक हमारे स्पोर्ट्स हो जाएँ जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो जाए, टेबल टेनिस हो जाए, तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहे। अभी तो ये बिल्कुल ही एक तरह से जैसे पुराने इलाके होते हैं ना जिसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, सब लोग साइलोज़ में रह रहे हैं, तो उस तरह से अभी माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग भी वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम चेंज, फॉर सम बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो यही हम सब लोग इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। इवेंट्स मेरे लिए सेकेंड प्रायोरिटी पे, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑलवेज हेल्थ है, हेल्थ और वेलबींग है ना। तो हेल्थ और वेलबींग इस टाइम बहुत सफ़र कर रही है, मतलब कोई भी ना उसको सफाई के लिए ध्यान दे रहा है, ना कोई पार्क के लिए ध्यान दे रहा है, ना कोई यहाँ पे पानी के लिए ध्यान दे रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं लाइफ को। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स और पानी ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे, प्लस जो ऊपर फ्लोर पे रहते हैं पुराने बुज़ुर्ग लोग हो गए उनके लिए लिफ्ट का भी प्रयोग होना चाहिए, वो डेफिनेटली एक ज़रूरत है सोसाइटी की। और सब लोग वेल ऑफ हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें और लिफ्ट लगाएँ। मतलब मेरी तरफ से अगर ये इनिशिएटिव अप्रूव होता है तो मैं पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। आप कितना टाइम हो गया आपको इस सोसाइटी में? मेरे को 24 इयर्स के आसपास हो गए और मैं यहाँ पर 456 फ्लैट में रहता हूँ और बीजेपी में मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। लेकिन सोसाइटी का हाल तो ऐसा है जी, पिछले 23 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहता, यहाँ सत्ता पे आकर काम कुछ नहीं करना, केवल अपने लिए ही काम करना बस शुरू से ही रहा है। आज इस सोसाइटी को मैंने को 35 साल हो गए, 35 साल में सोसाइटी काफ़ी जर्जर उड़ चुकी है, नो रिपेयर नो मेंटेनेंस। मेरा फ्लैट ऊपर का है, छत का, छत की रिपेयर, छत की चाबी चाहिए इनको पर रिपेयर नहीं कराना, नो रिपेयर। 3 बार मैंने अपने पैसे से रिपेयर कराया पर कहते हैं जी रिपेयर तो करा लो बस चाबी हमें दे दो जी। वाई क्यों देते हैं इनको जब हम रिपेयर कराएंगे और मेंटेनेंस फिर भी चाहिए इनको, मेंटेनेंस हर महीने चाहिए लेकिन रिपेयर नहीं कराना, जिसको हम भुगत रहे हैं आज तक। लिफ्ट के लिए कई बार प्रपोजल आया, लिफ्ट लगाने को तैयार नहीं है, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, आज तक पानी की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। बिल्डिंगें थोड़ी सी क्रैक हो रही हैं, थोड़ा सा उनकी रिपेयर भी होनी चाहिए और मेन है सफाई यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी का नाम है पार्षद विहार और जैनियों की सोसाइटी है, उस हिसाब से सफाई नहीं है यहाँ पर, सफाई होनी चाहिए बहुत ज़रूरी है। और पार्कों की देखभाल ठीक तरह से होनी चाहिए, पार्कों में सब झूले वूले सब टूटे पड़े हैं, जो बच्चे खेलते हैं उनके कपड़े फट जाते हैं और उसका सफाई का मेन। आप क्या क्या यहाँ पर सोसाइटी में बदलाव चाह रहे हैं अभी? देखिए पहला बदलाव सबसे ज़रूरी जो है वो है सफाई का। सड़कें आप देखेंगे सोसाइटी में, आप एक बार घूम के देखिए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। अजय जैन। कितने साल हो गए आपको इस सोसाइटी में रहते हुए? हमें हो गए जी 22 साल। 22 साल हो गया। और आपको 22 साल में क्या क्या समस्या यहाँ पर देखने को मिली है और क्या क्या बदलाव चाह रहे हैं? समस्या ही नज़र आ रही है, बदलाव ही चाह रहे हैं, हम बदलना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा भाई सफाई, साफ सफाई का है, चौकीदारी का है, थोड़ा सा पानी का बहुत प्रॉब्लम है इधर, इसको चेंज करना हम चाह रहे हैं, सबका सहयोग मिलेगा। तो जैसे मैंने बच्चों से बात करी है तो वहाँ पे पता चल रहा है कि बच्चों के लिए पार्क नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा समस्या था। पार्क की भी समस्या है, ये बैडमिंटन कोर्ट था हमारा पहले, अब ये पार्किंग बना दी गई, इसे ख़त्म कर दिया गया, तो इसको भी हम बहाल करना चाह रहे हैं। और जो बिल्डिंग जर्जर हो रखी है उनकी मरम्मत के लिए भी काम? हाँ, उसकी मरम्मत के लिए भी हमारा प्रपोजल है कि उसकी मरम्मत भी करें, चार दीवारी वगैरह ये सब चेंज करने का हमारा प्रपोजल है। आपका नाम क्या है? पुनीत जैन। मैं फ्लैट नंबर 128 में रहता हूँ, लगभग 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। समस्या क्या क्या देखने को मिल रही है? समस्या ही समस्या है यहाँ पे। सबसे पहले समस्या पानी की है, यहाँ पे गंगा वाटर नहीं है, टैंकर आता है और तब पानी सप्लाई होता है। दूसरी साफ सफाई नहीं है, सिक्योरिटी बहुत पुरानी हो रही है, सारी बाउंड्री वाल जर्जर हो रही है, पुराने लोग लिफ्ट की डिमांड करते हैं, जो पुरानी कमेटी है उन्होंने कुछ नहीं करा, 2.5-3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, आपस में लड़ते हैं, अब नए लोग आना चाहते हैं, नए उमंग से काम करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे अपील है कि नए लोगों को मौका दिया जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक काम कर सकें, ईमानदारी से काम कर सकें। सोसाइटी में वैसे तो देखिए बेसिक सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ थोड़ा पानी की समस्या है काफ़ी, जिसकी वजह से हम लोग गर्मियों में तो काफ़ी आपूर्ति की प्रॉब्लम लेके स्ट्रगल करते रहते हैं, प्लस बच्चों के खेलने की स्पेसेस वगैरह की थोड़ी सी चैलेंज है यहाँ। और पिछले कुछ सालों में जो भी कमिटीज़ आई, जो भी लोग पदों पे थे यहाँ पे, वो कुछ ऐसा चेंज ला नहीं पाए जिसको देख के हम उनके काम को सराह सकें, तो इस बारे हम चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, कुछ डिफरेंस आए, सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले। प्लस कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्टर मेंबर्स हैं जिनकी वजह से सोसाइटी का काफ़ी खर्चा भी हो रहा है, तो आई थिंक
उनसे अगर वो क्लैरिफाई किया जाए कि क्या रीजंस हैं, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, तो आई थिंक वो भी सबके हित में रहेगा। एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। सिक्योरिटी का कैसा इशू है, कोई भी कहीं से भी चढ़ के आ जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है। गार्ड्स आर अननोन टू एवरीवन। मतलब मैं यहाँ पे 22 साल से रह रहा हूँ और गार्ड को ये नहीं पता होगा कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। कोई भी गाड़ी यहाँ पे कहीं पर भी खड़ी करता है, तो उस वजह से सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब बेसिक फैसिलिटी क्या होती है, पानी, उसका तो इशू सबसे बड़ा ही है। उसके बाद जो मेन इशू जो आता है सिक्योरिटी का, पानी भी आ गया, अंदर चोर आ गया तो हम पानी का भी क्या कर लेंगे ना। तो मेन तो सिक्योरिटी आ गई बीच में। गार्ड यहाँ पे डेली बेसिस कोई भी मतलब कोई भी गार्ड ऐसा परमानेंट ही नहीं जिसको हर 10 दिन में कोई ना कोई न्यू फेस गार्ड का दिख जाता है, और बाद में उसी की गलती नहीं है, तूने घुसने कैसे दिया। उसको पता ही कैसे लगेगा, जब वो परमानेंट होगा तभी पता लगेगा ना। एक सिक्योरिटी का तो एक मेन मैटर रहता है हर जगह, और बस यही है, सिक्योरिटी होती है जी। समस्याएं बहुत सारी है। मैंने हॉल को देखा, इतनी कंडम हालत थी कि कोई अंदर अंदर घुसने में राजी नहीं था। तो मैंने देखा बड़ी हालत ख़राब है, और अलमारी में दीमक लगी पड़ी थी, तो हमने सारा उसको रेनोवेट करा। टॉयलेट की इतनी बुरी हालत थी कि पीन भी नहीं जा सकता था उसमें। अब जाके देखो उसकी पोजीशन क्या है। और गार्ड रूम को मैंने देखा, बहुत बेकार हालत थी, और वहाँ हमने जब उसमें काम किया तो लेंटर भी नीचे आ गया उसका। फिर हमने नया लेंटर डाला, फिर उसको रेनोवेट करा। लोगों को काफ़ी अच्छा मिला मुझे सपोर्ट, पर उसके खिलाफ लोग हमारे खिलाफ हो गए कि हमें कि हम पोस्ट में आना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। भाई अगर किसी में 9-10 हज़ार लगा के दिखाए ना, हमने तो 5-6 लाख लगा दिए थे। मैं सिविलियन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर्ड हुआ हूँ और 93 से यहाँ रहता हूँ। मैं ओरिजिनल मेंबर हूँ। अब अलाटमेंट में कोई भी किसी को मिल सकता है, ग्राउंड फ्लोर मिल सकता है। मेरे को थर्ड फ्लोर मिला। अब थर्ड फ्लोर मिलने के अब तो मैं 76 रनिंग है, तो मुझे लिफ्ट की परेशानी है कि लिफ्ट लगनी चाहिए, और पानी की समस्या है, और तो यही तो मॉस्किटो वगैरह तो स्प्रे होता ही रहता है। बस ये है कि पानी आए, ये जल बोर्ड का हम पानी दे रहे हैं वो अनट्रीटमेंट वाला होता है पानी, वो भी टैंक साफ कराना पड़ता है, और ये लिफ्ट का है। अभी लिफ्ट में जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं। देखो पानी की प्रॉब्लम जो है वो तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे इंफ्रा की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप कहते हैं मेंटेनेंस, यहाँ पे ये पैसे दो वो पैसे दो, वो सब करते हैं। यहाँ पे जीने में कूड़ा पड़ा है, 4-4 दिन स्वीपर नहीं आता। यहाँ पे आपको लिफ्ट की दिक्कत है, उसको कोई नहीं देख रहा। यहाँ पे आपकी आप अगर 8 फ्लैट हैं, यहाँ पे 8 की जगह, मतलब अगर आप यहाँ हमारे उस फ्लोर में देखोगे तो यहाँ पे जिसकी साइकिलें हैं वो तो छोड़ दो, अलग भी खड़ी हैं, स्कूटर भी खड़े हैं, वो कोई नहीं देख रहा। ये मेन प्रॉब्लम है। सोसाइटी में कितनी साफ़ सफाई देखने को मिल रही है? सोसाइटी में ये है कि हो जाती है तो हो जाती है, जब क्लीननेस पे आते हैं तो क्लीननेस हो जाती है, नहीं तो पड़ा रहता है हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन कहते रहो अभी आएंगे करेंगे, चलता रहता है इनके सोसाइटी में तो। और क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? पानी की सबसे बड़ी समस्या है ये, अगर सुधार हो जाए ना हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी रोज ढोते रहते हैं बाहर से नीचे से ऊपर तक। 25 साल हो गए हमें, 26 साल हो गए मेरे को, तो 26 साल हो गए सोसाइटी में। पानी की शुरू से प्रॉब्लम है, आज तक कोई सुधार नहीं आई है पानी अब में। क्या क्या बदलाव चाह रहे हो इसमें? देखिए बदलाव तो मेन पानी का है, मेन इम्पोर्टेंट पानी है। पानी का हो जाए सब होता जाएगा धीरे धीरे। ये गेट है, बोर्ड है, सारी दूसरी सोसाइटी हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है बाप, थोड़ा सा क्लीननेस हो जाए अपना। अब मेन तो सिर्फ इम्पोर्टेंट वाटर, आजकल वाटर के सिवा कोई चीज़ नहीं है, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट था यहाँ पे, और कमेटी ने क्या है मतलब GBM ने उसको डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद जो है कुछ लोगों ने इसको यहाँ पे मोनोपोली बना ली और गलत काम करते रहे, इवन दो कई हेरा फेरियाँ भी हुई है, और अपनी चलाते रहे यहाँ पर। और मैंने इसका विरोध भी किया है, कोई उसका यूज़ नहीं हुआ है, और फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बाकी देखिए क्या कह सकता हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सारी के सारे नए लोग आने चाहिए। कोई भी पुराना जो जब रिज़ाइन कर चुके हैं, RCS में एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, उनको दोबारा लड़ना ही नहीं चाहिए इलेक्शन, और फिर भी लड़ रहे हैं, और वो गलत हो रहा है। यही मेरा वो है, मतलब पावर तो है नहीं मेरे पास कुछ भी, और मैं खुद इसलिए इलेक्शन लड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और मैं यहाँ सोसाइटी से कई 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे मेनली वाटर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा
यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम ज़्यादा है, पार्किंग प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हम जो नई कमेटी में चाहते हैं उसमें बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे मेन इशू वाटर प्रॉब्लम है, उसको हम दूर करेंगे अपने सिंसियर एफर्ट से, ऑनेस्टी से इसको साफ़ सफाई में ध्यान देंगे, सिक्योरिटी इम्प्रूव करेंगे और पार्किंग समस्या दूर करेंगे, ताकि हम सब मिलजुल के एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। थैंक यू। सारी सड़कों के ऊपर आपको दिखेगा गंदगी पसरी है, कहीं पानी गंदा पानी पड़ा है, कहीं पे सीवेज का जो पाइप है वो फटा हुआ है, कहीं पे ड्रेनेज का पानी फटा हुआ है, और वो वहाँ से पानी रिसता रहता है, सब पैरों में आता है। बहुत से लोग, हम भी यहाँ पे जैन मंदिर है सोसाइटी के अंदर, सब लोग मंदिर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, तो पैरों के अंदर गंदगी, कूड़ा, करकट, कीचड़, वो ड्रेनेज का पानी, WC का पानी तक यहाँ पे आप देखेंगे ना सोसाइटी की सड़कों पर, वो तक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कई बार तो समझ नहीं आता कि सोसाइटी की सड़कें हैं ये गंदा नाला के अंदर मतलब परिवर्तित हो चुकी है। कितने टाइम से ये समस्या देखने को मिल रही है जो अभी तक बदलाव नहीं हो पाया? देखिए जी, हम तो स्टार्टिंग से यहाँ 25 साल से रहते हैं। हमने तो पहले शुरू के दिनों में जब यहाँ लोग बहुत कम थे तब तो सोसाइटी का माहौल बहुत अच्छा था, पर पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं तो यही समस्या है। 15 साल से तो मतलब गंदगी हो, एंक्रोचमेंट हो, मच्छर हो, यही सब समस्या। पानी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। हार्ड वाटर आता है यहाँ पे, पानी की गर्मियाँ आ जाएँ तो पानी तो मतलब समझो कि बस राम भरोसे है ये। अब जैसे कि पता चल रहा है पार्किंग और उसके साथ ही पार्क के लिए भी समस्या आ रही है, पार्किंग की भी समस्या आ रही है, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए लिफ्ट की भी समस्या आ रही है, तो सब में बदलाव चाहिए। बिल्कुल। पार्किंग की समस्या मैडम ये है कि सोसाइटी के अंदर लगभग 150 फ्लैट्स हैं और हमारे पास में मैं समझता हूँ 101 गाड़ियों की पार्किंग है, और हर गाड़ में लगभग दो दो गाड़ियाँ, लगभग एवरेज दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी, डेढ़ गाड़ी, दो एवरेज की गाड़ी है। तो सोसाइटी पूरी भर जाती है रात को, और रात को अगर आप गलती से लेट आते हैं 9-10 बजे के बाद आते हैं तो आपको जगह ढूंढने में इतनी परेशानी होती है, कई बार आपको ड्राइववे के अंदर अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं या तो टो जाती है या चोरी भी होने का डर रहता है। और बच्चों के खेलने की समस्या यहाँ इतनी है कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, उन बच्चों के लिए यहाँ ज़ीरो फैसिलिटी है, ज़ीरो फैसिलिटी। आप सोचिए छोटे टोडलर्स हैं, छोटे छोटे टोडलर, मतलब पार्क के अंदर ऊंची ऊंची घासें हैं, वहाँ मच्छर काटते हैं, जो झूले पहले लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी सोसाइटी के अंदर बचपन से रहता हूँ, जो हमारे ज़माने के झूले थे वही आज तक हैं, लोहे के झूले, वो सब आज जर्जर हो चुके हैं, उसके अंदर बच्चे चोट खाते हैं रोज। आगे के लिए आप क्या बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, बदलाव होना चाहिए। जो लोग, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पहले से सोसाइटी के अंदर चलते आ रहे हैं वो अब थोड़ा सा मौका नया लोगों को भी दें और सोसाइटी के अंदर सब मिलके अच्छे से रहें और बदलाव लेके आए। मेरा नाम राजीव कुमार जैन है, मैं यहाँ फ्लैट नंबर 428 में रहता हूँ, और मेरा मेंबरशिप नंबर 207 है, और मैं यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूँ। कि इस बार यहाँ इलेक्शन हो रहा है, पार्षदनाथ प्रोग्रेसिव ग्रुप के मेंबर खड़े हैं, मतलब हमको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ विकास के लिए आए हैं, और मैं आपके माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हम किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं बढ़ाएंगे। जो मेंटेनेंस चार्ज है आज मुझे लगा 1500 रुपये है, और वो उसी से हम उसको मैनेज करेंगे। लेकिन अभी क्या है, देखो सोसाइटी के अंदर आप भी जानते हो, जो मेन समस्या पानी की है, कोई भी पाइपलाइन डाल लो, बूस्टर से लेकर ऊपर पानी जाता है, वो हार्डली 10-15 साल उसकी लाइफ होती है। लेकिन आप जो 30 साल से पाइप चेंज नहीं हुई है, वो सब गल गई हैं, जंग लग गए हैं, अब उनको चेंज करने काफ़ी लंबा खर्चा बढ़ेगा उसके अंदर, उसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे, सारी समस्या सॉल्व की जाएगी। और हम सिर्फ विकास के लिए आए, बदलाव के लिए लिया है, जो पिछले 30 साल से काम नहीं हुआ, जो काम 30 साल से उन कामों को हम पूरा करेंगे। तो हमने पार्सो सोसाइटी के लोगों से बातचीत की है और उनकी समस्या को जाना है। आपको बता दें कि सोसाइटी में 20 तारीख को इलेक्शन है, और जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है, वहीं लोग अपनी अपनी समस्या को रख रहे हैं कि पार्किंग प्रॉब्लम है, और इसके साथ ही साथ बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं मिल रहा है, और जो सड़कें हैं और इसके साथ ही सुविधाएँ जो हैं वो उनको नहीं मिल रही है, और इतना ही नहीं, जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है, और इस सभी चीज़ों का समाधान चाहते हैं, और इसके साथ ही वो बदलाव भी चाहते हैं सोसाइटी में। और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट था यहाँ पे,
उसमें सारी की सारे नए लोग आने चाहिए। तो हमको कोई भी खेलने की फैसिलिटी नहीं दे रहे। पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं।